हाय दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला ओप्पो F5 की पांच ऐसी हिडन फीचर के बारे में बताऊंगा, सीक्रेट फीचर के बारे में बताऊंगा। और ये जो फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको अब तक की किसी ने भी आपको नहीं सिखाया होगा ना बताया होगा। क्योंकि दोस्तों मैं किस लिए बोल रहा हूँ कि किसी ने भी नहीं बताया होगा, ये काफ़ी लेटेस्ट है और काफ़ी ज़बरदस्त है। क्योंकि जो कुछ फीचर मैं आपको बताऊँगा ओप्पो का, वो एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर भी मिलेगा, मगर कुछ फीचर है आपको ओप्पो का ऑफिशियल के अंदर मिलेगा। अगर आपको जानना चाहते हैं कुछ एंड्रॉयड फ़ोन के सीक्रेट फीचर के बारे में, या आप ओप्पो यूज़ करते हैं उनके लिए भी जानना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए आपको ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाला है। जी हाँ, तो दोस्तों अगर जानना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है सितारे और आप देख रहे हैं होगा टोगा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे आपको लिखा होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, तो ये आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों ये सेटिंग सिर्फ ओप्पो F5 में आपको मिलेगा और बाकी फ़ोन में नहीं मिलेगा ये सेटिंग। इसमें जाएंगे ऐप डिस्प्ले इन फुल स्क्रीन, इसका मतलब है दोस्तों कि ये जो मोबाइल मैंने परचेज़ किया ओप्पो F5, ये काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है और यहाँ पे फुल स्क्रीन, कभी कभी मैं ऐप यूज़ करता हूँ तो फुल स्क्रीन आ जाती है। तो इसे मैं जो भी ये एप्लीकेशन मैं यूज़ करना चाहता हूँ, देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक्सिस बैंक को यूज़ करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, मगर इसे बंद करने के बाद हाफ स्क्रीन होगा। जी हाँ, फुल हाफ स्क्रीन होगा। तो इसे आप चाहते हैं तो इस फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों और भी फीचर की बात करूं, यहाँ पे आपको नेवी बार आपको नज़र आता होगा, तो यहाँ पे मैंने राइट में मैंने बैक ऑप्शन लिया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि लेफ़्ट में आपको लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको एडेंटल सेटिंग में जाना होगा। ठीक है, एडेंटल सेटिंग में एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर भी होती है, तो नेवी बार की उन एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर भी चेंज होता है। तो एडेंटल सेटिंग में आप जाइए, एडेंटल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे नेवी की आपको नज़र आता होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लेफ़्ट राइट का आपको दोनों ऑप्शन मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना, जो भी आपको सुविधा हो बैक करने का वो आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वाइब्रेट भी डाल सकते हैं, जैसे वाइब्रेट हो बैक करने पे, या आप साइलेंट ही आप करना चाहते हैं तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसे क्लिक करेंगे तो ये जो नेवी बार है वो है हिंड हो जाएगा, ऐसे स्वाइप करेंगे डिस्प्ले पे तो वापस से फिर से आ जाएगा। तो ये दूसरी सेटिंग है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरी सेटिंग के बारे में बताऊंगा, और ये सेटिंग में काफ़ी ज़बरदस्त है, और ये सेटिंग एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर मिलेगा, ओप्पो का भी अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे टैम पावर ऑन ऑफ, तो इसे आपको क्लिक करना होगा। तो इसका सेटिंग का फ़ायदा क्या है दोस्तों, जब भी इसे ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आप टैम सेटिंग करके आपका मोबाइल को बंद कर सकते हैं कि इतना टाइम में मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए और इतना टाइम में मेरा मोबाइल ऑन होना चाहिए। तो ये दोनों टाइम आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये काफ़ी अच्छी सेटिंग है, ये मुझे काफ़ी पसंद आया ये सेटिंग, और ये ऑलमोस्ट एंड्रॉयड के अंदर भी मिलेगा कुछ एंड्रॉयड के अंदर, और ये तो और ओप्पो के अंदर भी आपको मिल जाती है। मैं तीसरी सेटिंग के बारे में बताऊँगा, और दोस्तों ये तीसरी सेटिंग ऐप सिक्योरिटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप बैंक का ऐप यूज़ कर रहे हैं तो ये सेटिंग का काफ़ी फ़ायदा होने वाला आप सबको। जी हाँ, ये मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि आपका बैंक का ऐप ज़रूर यूज़ करते होंगे, कोई भी बैंक हो तो ऐप तो ज़रूर यूज़ करते होंगे ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये सिक्योरिटी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, एंड्रॉयड फ़ोन के लिए भी है और ओप्पो के लिए भी है। तो सिक्योरिटी में आपको जाना होगा, सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट प्रोटेक्शन। ये पेमेंट प्रोटेक्शन का मतलब दोस्तों ये स्कैन करेगा, ये मोबाइल की काफ़ी ज़बरदस्त सेटिंग है और ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होती है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मैं एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, मेरा पास बैंक है, एक्सेस और ICIC, यहाँ पे पेजेप, कोटक, पे फोन, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन यहाँ पे अनेबल है। अगर आप इसे आप ऑन नहीं होता है तो इसे ऑन कर लीजिएगा, इसे ऑफ मत कीजिए, ऑन कीजिएगा। यहाँ पर व्यू में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे व्यू में भी आपको यहाँ पे लिखा होगा कि सिक्योरिटी ऐप, बहुत सारे ऐसे रीज़न आपको मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी सेटिंग है और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, तो ये चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे चौथा फीचर मैं बताने जा रहा हूँ, और ये भी फीचर काफ़ी ज़बरदस्त है। क्योंकि दोस्तों आप सुने होंगे कि कुछ एप्लीकेशन की वजह से आप कुछ एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो जो एप्लीकेशन को लॉक लगाएंगे वही एप्लीकेशन को यूज़ करता है। जी हाँ, मगर दोस्तों ये ओप्पो F5 में ये ऑफिशियल है, आपको सेटिंग में आपको मिल जाती है। तो सिक्योरिटी में जाना होगा,
और सिक्योरिटी में जाने के बाद किड्स स्पेस में आपको जाना होगा। किड्स स्पेस में जाने के बाद दोस्तों आपको ये भी टून ऑफ मोबाइल ऑन, इसे ऑन कर देना होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं कि आप जो भी लिमिटेड अवेलेबल ऐप को देना चाहते हैं, बच्चे को यूज़ करना चाहते हैं, वही एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन अलाउ टू बी एक्सेस, इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएगी। जो भी एप्लीकेशन को परमिशन देना चाहते हैं वो परमिशन आपको देना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक कीजिएगा और वही आपका लॉक हो जाएगा और उसके बाद कोई एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये एप्लीकेशन, ये सेटिंग का काफ़ी फ़ायदा और आप इसे उठा सकते हैं, तो काफ़ी ज़बरदस्त सेटिंग है। उसके बाद दोस्तों अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं या ओप्पो F5 यूज़ करते हैं या ओप्पो का कोई भी मोबाइल यूज़ करते हैं तो ये सेटिंग उन सभी के लिए है। तो दोस्तों उनके लिए आपको क्या करना होगा, सेटिंग नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आपको जाना होगा, ठीक है। उसमें जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन लाइट तो एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर भी है और ओप्पो के अंदर भी है। अगर आपको नहीं मिलती है तो ये सेटिंग को आपको यूज़ करना होगा, तो ये सेटिंग में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ प्लस नोटिफिकेशन लाइट, तो इसे अनेबल कर देना है तो आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपका लाइट ऑटोमेटिक जलने लगेगा। दोस्तों जो यही था पाँच सेटिंग के बारे में आपको बताना था। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि सभी सेटिंग ओप्पो को मोबाइल के अंदर मिलेगा मगर कुछ सेटिंग एंड्रॉयड के अंदर भी मिल जाएगा, जी हाँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सेटिंग के बारे में आपको काफ़ी पसंद आया होगा जो मैंने आपको वीडियो बनाया और शेयर किया अपना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब के लिए साथ में घंटे का दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए ध्यान रखिए दोस्तों, टेक केयर एंड गुड बाय।